से वो हो चुका है। औरंगा मेढाना की तरफ से पहली रेड, नाम है मेहनत दहिया गाँव की डोली, अंडर 19 स्कूली नेशनल का ये बेहतरीन रेडर रहा है। गोल्ड 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 मेडल हासिल किया था स्कूल अंडर 19 टूर्नामेंट के इस खिलाड़ी ने, उस टीम का ये मुख्य रेडर था। अब नितिन इस समय रेड पर, ये खिलाड़ी भी प्रो कबड्डी जयपुर पिंक पैंथर से खेल चुका है। आप लीजिए बात रही साथियों, और मैं क्वार्टर आखिरी मैच, इसके बाद पहला सेमीफाइनल मैच अमित हुड्डा अकेडमी वर्सेस गिनीर आर्मी, दूसरा सेमीफाइनल मैच संस्कार भारती पाली वर्सेस इस मैच की विनर ये साथियों हार्सपुर देवी गांव छसर खेड़ी जिला चर्चा, बिल्कुल अच्छा रेडर है, पॉइंट लेने में कामयाब रहा। अब रेड पर 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी में दर्शक साथियों अंकुश नरवाल गांव कथुरा जिला सोनीपत, राजस्थान पुलिस में एसआई पद पर कार्यरत है खिलाड़ी, प्रो कबड्डी युवा के लिए खेल चुका है राजस्थान के लिए, और अब अपनी प्रतिभा लाखन वाला टीम के लिए दिखाता हुआ रेड सेल गांव पॉइंट टू बालग्राम स्टेडियम। फिर रेड पर मिलन दहिया गांव किंडौली जिला सोनीपत, इस रेड पर पांच के डिफेंस में मिलन इस समय रेड पर, बड़ा अच्छा खिलाड़ी अपन दर्शक साथियों। रेड राउंड हारने वाली टीम को जो तीसरा पुरस्कार है 11,000 रुपये उसके साथ सम्मानित किया जाएगा, जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट दे दिया जाएगा। बड़ा अच्छा मैच चलता हुआ 4-2 बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। अब फिर रेड पर अंकुश नरवाल गांव का थोड़ा इस समय रेड करता हुआ 4-5 का स्कोर, 1.6 की टीम आगे है और स्कोर बराबर हो चुका है 5 पॉइंट लाखन माजरे और 5 पॉइंट ले रहा। पहले सेमीफाइनल की दोनों टीमें ग्रीन आर्मी वर्सेस
साथियों को पॉइंट टू बालूराम स्टेडियम है, जहाँ बहुत अच्छा भाई खेल स्टेडियम है कबड्डी के लिहाज से बात करें तो बालूराम स्टेडियम है जहाँ जिला सोनीपत। और अब रेड पर हर्ष गांव जैसे खेली 7-5 का स्कोर, रिढ़ाना की टीम को एक और पॉइंट मिला, 7-5 का स्कोर हो चुका है। भाई अनुज चरानी, अनुज चरानी आ जाओ एक बार, और बोला भाजी आप भी आ जाओ, हाँ तीनों के तीनों आ जाओ। आ जाओ सभी आ जाओ। राजस्थान का ये खिलाड़ी है, वो भारतीय दल सेना में है। आप लीजिए मैं साथी और रेड आउट पॉइंट बड़ी अच्छी टीम है। स्कोर है भाई 2 पॉइंटों से बालूराम की टीम आगे चल रही है। बालूराम स्टेडियम रिढ़ाना, बालूराम कबड्डी का बहुत बड़ा खेल हुआ था बालूराम, उसके नाम से स्टेडियम गांव रिढ़ाना में, और वहां ये बच्चे अभ्यास करते हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ी किसी गांव के प्रो कबड्डी में खेलते हैं, खेलने का कीर्तिमान बनाया तो वो गांव रिढ़ाना है। पिता और पुत्र की जोड़ी भी प्रो कबड्डी में उसी गांव से खेली है, जोगिंदर अग्रवाल जो अब फिलहाल में दिल्ली के कोच हैं, और उनके पुत्र विनय अग्रवाल। लेकिन यहां पर अच्छे पॉइंट लेने में कामयाब, स्कोर 9-9 पॉइंट, 2 टीमों का स्कोर बराबर हो चुका है भाई। और भाई 50 नंबर जर्सी का खिलाड़ी सोनू, ये भी भाई जूनियर थोड़ा बेहतरीन डिफेंडर है, बड़ा जबरदस्त कॉर्नर है, कैच बना दिया भाई। सब छात्र टीम नहीं आए, टीमें थोड़ा देरी से आने में टीमों की भी गलती नहीं है, ये किसी टूर्नामेंट में फंसी हुई थी सारी टीम। चैंपियन स्पोर्ट्स लाखा मार्ग
खिलाड़ी प्रदर्शन चाहती हो हर्ष चुके थी और कैच लगा के हर्ष को पॉइंट मिला चैंपियन। आखिरी 3 मिनट से 6 पॉइंट की लीड नितिन इस समय रेड पर। लेकिन सामने जो डिफेंस है वो भी कुछ कम नहीं और ग्राउंड छोटा हो चुका भाई एक एक मिनट पॉइंट टू ना करवा दिया। अच्छा मिलन दैया, हाँ मिलन दैया
इसमें कोई प्रसूत नहीं होता, मेरा नाम कामयाब है। नितिन है, लाखन माजरा की तरफ से नितिन, 4 पॉइंट निर्धारण के हो चुके हैं, 2 पॉइंट लाखन माजरा के। Thank you.